गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स बेटा आज हम रिवाइज करेंगे नॉन लिविंग थिंग्स ठीक है हमारा टॉपिक था लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स स्टडी वी है स्टडीड अबाउट लिविंग थिंग्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग सो हे आर द पिक्युलर फीचर्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स फर्स्ट इज नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सांस नहीं लेती देन नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव बाई देलविस नॉन लिविंग थिंग्स खुद से मूव नहीं कर सकती देन नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड वाटर और सनलाइट नॉन लिविंग थिंग्स को फूड की यानी कि भोजन की पानी की और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती देन नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम देअर बॉडीज़ नॉन लिविंग थिंग्स को अपनी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने की नीड भी नहीं होती देन नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट सेंस चेंजेस इन देन एनवायरमेंट अगर नॉन लिविंग थिंग्स के एनवायरमेंट में कुछ चेंजेस होते हैं तो नॉन लिविंग थिंग्स उनको सेंस नहीं कर सकती उनको समझ नहीं सकती देन नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस हमने कल भी पढ़ा था बेटा रिप्रोडक्शन क्या होता है अपने जैसे सेम क्रिएचर्स को बर्थ देना ठीक है तो नॉन लिविंग थिंग्स इस प्रोसेस को भी नहीं करती क्लियर देन एक टर्म और है हमारी आज हैबिटेट व्हाट इज हैबिटेट बेटा द नेचुरल एनवायरमेंट ऑफ अ लिविंग थिंग इज नॉन एज इट्स हैबिटेट किसी लिविंग थिंग का नेचुरल यानी कि प्राकृतिक एनवायरमेंट यानी कि चारों ओर का आवरण ठीक है उसको हम क्या बोलते हैं हैबिटेट क्लियर नाउ टेल मी बेटा नॉन लिविंग थिंग्स के कोई दो एग्जाम्पल बताओ स्टूडेंट्स टेबल चेयर ये क्या है नॉन लिविंग थिंग नाउ टेल मी क्या लिविंग थिंग्स अगर एन्वायरमेंट में कोई चेंज होता है तो उसकी तरफ कोई रिएक्शन देती हैं कैसर नो नो बेटा नॉन लिविंग थिंग्स कोई रिएक्शन नहीं देती हैं